नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूँ आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के निधन के बाद आज उनके बेटे एमके स्टालिंग औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभालेंगे। इसी महीने 7 अगस्त को करुणानिधि का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अब सेना को निशाना बना रहे हैं। आज सुबह आतंकवादियों ने पुलवामा इलाके में सेना की गाड़ी पर ब्लास्ट किया। राहत की बात यह है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हुआ और लोगों को सुबह सवेरे ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने टेबल टेनिस में जापान को हराकर अपना पदक पक्का कर लिया है। टेबल टेनिस में अभी तक चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का ही दबदबा रहा है। दिल्ली के नागलोई इलाके में एक युवक की मामूली विवाद की वजह से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर टक्कर होने की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।